हम ये केस छोड़ने के लिए तैयार हैं। वकील साहब, जब मुकदमा लड़ना ही नहीं था तो कोर्ट से नोटिस काहे भिजवाए? रागिनी जी, हम यही तो बताने आए हैं आपको, वो नोटिस हमने नहीं सृष्टि ने भेजा है। आज नहीं छोड़ेंगे हम उसका। रागिनी, तुम सृष्टि को नहीं मार सकती और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पुराना प्यार जाग गया क्या? उसका वजह से हम लोगों का बेटा जी को घर छोड़ कर आना पड़ा वहाँ से। कि पूजा में आप अपना पत्नी रागिनी सिंह के साथ बैठे, कहते हैं कि जोड़ा से ही पूजा में बैठने वाले का सारा संकट सब बाधा दूर हो जाता है। बाबूजी नहीं, पूजा के बाद खुदा ही हमें रोक लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस घर से अकेला जाऊंगा और उसके बाद कभी वापस नहीं आऊंगा। अम्मा, जितना घर खरीदोगी उतने घर में पूजा करवाना जरूरी है। हाँ, शुभ होता है। का शुभ होता है? अरे ये फूल रखो, ये क्या क्रिकेट का गेंद नहीं है तुम्हारा? हमको भी पता है कि फूल है, कहाँ रखे? नीचे रख दो। कहाँ? नीचे। नीचे रख दो। अच्छा, रख देते हैं। कहो तो चढ़ा भी देते हैं भगवान जी। अरे नहीं नहीं, स्नान के बाद। अच्छा, तो हम तो सवेरे सवेरे किए ना स्नान। अरे भगवान जी के स्नान के बाद। नारद जी, तो पंडित जी काहे नहीं आए? फोड़ लगाओ। अब ये तो वार्तालाप हुआ था पंडित जी से। एक मिनट, अरे महाराज कहाँ रह गए आप? वर्षा में फंस गए हैं? अरे वर्षा वर्षा को छोड़िए, जल्दी निकल के शीघ्रता से आइए। अरे बिटिया, पूजा का टाइम हो गया है और अब तक तो तैयार नहीं हुई। जाओ जल्दी जाके तैयार हो जाओ और साड़ी पहन के आना। पूजा के बाद ना आज तेरा विदाई भी होना है। दामाद जी बोल रहे थे शाम को ही निकल जाना है। हमें कैसे भी करके अम्मा जी और बाबू जी को ये समझाना होगा कि वो घर हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे साथ जो हुआ उसके बाद रागिनी सिंह उस घर में नहीं जा सकती। आज कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इसे अपने घर लेकर ही जाऊंगा, और अगर आज मैं फेल हो गया तो फिर कभी इसे लेने नहीं आऊंगा। अरे दामाद बाबू, आप यहाँ हैं, आज हम आपको एक गिफ्ट देंगे। गिफ्ट? कैसे गिफ्ट बाबूजी? भाई आप इतना अच्छा निशाना लगाने लगे हैं तो आपके पास कम से कम एक विदेशी बंदूक तो होना ही चाहिए ना। ऑर्डर कर दिए हैं, आदमी लेके आता ही होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज विक्रांत सिंह को मारने का बहुत अच्छा मौका है। सत्यनारायण भगवान की पूजा है, कोठी नहीं है इसलिए सिक्योरिटी भी नहीं होगी। तुम अपना काम आराम से करके भाग सकते हो। लेकिन कोठी में जाएंगे कैसे? उसकी चिंता मत करो, उसका इंतजाम हो गया है। एक गंडीलर रघु विक्रांत सिंह को गन दिखाने वाला था। रघु हमारे कब्जे में, इसलिए अब तुम दोनों उसकी जगह जाओगे। काम हो जाएगा। वेरी गुड। ये वो सारी गन्स हैं जिन्हें विक्रांत सिंह देखने वाला है। ये सभी लोडेड है, तुम इनका जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। अरे तुम आज इतनी सुबह, हमें तो लगा कि तुम सर की तबीयत की वजह से थोड़ा लेट आओगी। हम यहाँ आने से पहले पापा के सारे काम कर दिए और बदले में उनके सारे काम ले भी आए। अब इतने सारे केस लड़ने हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। वो तो है, एंड आई एम हैप्पी कि तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हो। और दुख इस बात का है कि मैंने तुमको काम बहुत ज्यादा दे दिया। नहीं शेखर, तुमने जो किया अच्छा किया। हमें आगे बढ़ने के लिए शायद ये सारे केसेस हेल्प करेंगे, और फिर तुम तो हो ही संभालने के लिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो तुम जो भी करोगी सोच समझ कर करना, क्योंकि इन सब केसेस से तुम्हारे पापा के इमोशन जुड़े हुए हैं। शेखर, हम ये केस ना तो किसी की बेटी बनकर लड़ना चाहते हैं, ना ही किसी की बहू। हम ये केस सिर्फ एक लॉयर बनकर लड़ना चाहते हैं, तभी हम इन सारे केसेस को जस्टिस दे पाएंगे।
इष्टि, तुम ये क्या करने जा रही हो? हमने रीशु जी से वादा किया था कि हम दिन में एक बार उनसे जरूर बात करेंगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसे करके विशु के साथ जस्टिस कर रही हो? इष्टि, तुम्हारी बात करने से विशु को होप मिलती है कि आज नहीं तो कल तुम उसके पास वापस जाओगे। अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे तो उन्हें खराब लगेगा। उनको जितना खराब लगना है अभी लगने दो, वरना जब तुम उसको छोड़ोगी वो जी नहीं पाएगा। इष्टि, मैं जानता हूं कि तुम उसका भला चाहती हो, लेकिन तुम खुद से सवाल करके देखो कि क्या तुम उसका भला कर रही हो। आज तुम उसका फोन कट करके उसकी ताकत बनोगी या पिक करके उसकी कमजोरी, अब ये तुम्हें तय करना है कि क्या करना है। तुम सही कह रहे हो शेखर, हमारा उनसे दूर रहने में ही उनकी भलाई है। कहाँ पंडित जी इतना देरी? अरे जल्दी आइए महाराज, नहीं तो आपका और हमारा ना दोनों का जान खतरे में आ जाएगा। कहाँ दीदी जी, अभी चित हो जाते। हम जो कह रहे हैं ना उसको समझने का कोशिश करो। पंडित है ना, उसको जाके समझाओ कि वो बाबूजी से यहाँ आके ये कहे कि आज का जो सत्यनारायण का पूजा है उसमें दामाद और बहू का बैठना अनिवार्य नहीं है। जी जी, हो जाएगा। जी जी जी, पूरा बात तो सुनो हमारा। और उसको ये भी कहो कि वो बाबूजी को आके ये कहे कि जो विदाई का समय है वो 3 महीना तक नहीं है, समझे? 3 महीना तो जो विदाई अगर होगी ना तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा, तो विदाई नहीं हो सकती। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक। काहे करवा रहे हैं आप हमसे? अरे बकर बकर मत करो, बस ये समझ लो कि आज के दिन के ऊपर ही ना हमारा मरना और जीना तय करेगा। मरना और जीना? हाँ। तब तो आप बुझे के काम हो गया। ठीक, हम चलते। आज तुम्हें मेरे साथ जाने से कोई पंडित नहीं रोक पाएगा, और जहां तक भगवान की बात है वो तो तुम्हें मेरे साथ भेजना ही चाहते हैं। अगर पंडित ने बाबूजी के सामने वो सब कह दिया जो रागिनी उसे कहलवाना चाहती है, तो बाबूजी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ दिव्या, बोलो। क्या भैया, आप भाभी के चक्कर में अपनी बहन को भूल गए? कल रक्षाबंधन है और आपका अभी तक एक कॉल भी नहीं आया था। रक्षाबंधन कल है? दिव्या, आई एम रियली सॉरी यार, वो काम के चक्कर में ना मेरे दिमाग से निकल गया, आई एम वेरी 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 सॉरी। वो सब ठीक है, कल आप भाभी को लेकर टाइम से आ जाना, सुबह सुबह राखी बांधना आपको। हाँ हाँ, कल क्यों, तुम्हारी भाभी आज शाम को ही घर आ जाएगी, मैं लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। वैसे बहुत दिन हो गए ससुराल में रहते हुए। अब जल्दी आ जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं। अरे दामाद बाबू, जरा इधर आइए। जी बाबू जी, आया। अरे दामाद बाबू, आप यहाँ हैं, आइए, आपका उपहार आ गया है। देखिए कहाँ गया जी, दिखाओ दामाद बाबू को। ये लोग हैं हमारे गन डीलर हरिओम जी के आदमी। अच्छा अच्छा, तुम दोनों कौन हो भाई? होम जी तो हमेशा से रघु को बेचते थे ये बंदूक बंदूक दिखाने के लिए। वो क्या है ना, रघु की तबीयत खराब है, इसलिए ओम जी ने हमें भेजा है। हाँ ठाकुर साहब, आप चाहे तो पूछ सकते हैं। चलो कोनो बात नहीं है, हम तो हमेशा ही बंदूक खरीदते रहते हैं, लेकिन इस बार हम अपने दामाद जी को उपहार देना चाहते हैं। दिखाओ क्या लाए हो। पिछले ही हफ्ते आया नया माल है एकदम, इसकी 500 मीटर की रेंज है, देखिए उठाइए कितना हल्का है। गन तो लोडेड है, बस एक बार चला देना तो विकराल सिंह का गेम खत्म। चल जा।
अरे दामाद बाबू जो पसंद आता है वो देखिए ना। निशाना लगाना तो अब आपको बहुत बढ़िया सा ही गया है दामाद बाबू। ठाकुर साहब भाई साहब हेलो, आपने ससुर जी पे क्यों गनतानी हुई है? अरे अरे नहीं सरकार, ये तो बस गन का भार माप रहा है, देखिए कितनी हल्की है। अरे छोड़ो भैया, असली पीस तो ये है हमारा फेवरेट। अरे इतना मक्खन है ना जीजा जी, मारेंगे तो सात को दूर कभी बंदा ना छटांग से गिर जाएगा, एकदम मक्खन है। बंदूक संभालने के लिए ना ताकत का नहीं दिमाग का जरूरत होता है, और भोले बाबा तो आपको उससे वंचित ही रखे हुए हैं, है ना? आप देखिए दामाद बाबू, जो भी आपको पसंद आता है, हम आते हैं अभी। जी बाबूजी। ओ भाई कहाँ, किधर चल दिए? हाँ हाँ जाओ जाओ बाथरूम, आगे जाके लिफ्ट। मंत्री इस बार पटना वाला प्रोजेक्ट हम ही को चाहिएगा। हमने बात कर लिया है सारे में, तुमको भी समझा रहे हैं, यही बात तुम भी आगे उसको समझाओ। हेलो भाई साहब, कहाँ देख रहे हो? गन मुझे लेनी है ना, तो मुझे हेल्प करो वहाँ, इधर उधर कहाँ देख रहे हो? अरे नहीं सरकार, देखिए आपको गन दिखा देते हैं। ये नहीं, अरे सरकार आप भी ना, देखिए ये लेटेस्ट माल है, वो तो पुराना वाला है, इसका निशाना देखिए एकदम अचूक है, और नए रंग रूट के लिए ना बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। देखिए डर क्यों रहे हो? अरे डरे काहे नहीं, ये सब लोडेड गन है, वो भी विकराल सिंह के लिए, डरना तो पड़ेगा ना। अरे सरकार ट्रिगर दबाइए ना, आपको अंदाजा हो जाएगा, बहुत ही अच्छी बंदूक है, दबाइए दबाइए। दबा दो। चलाइए ना सरकार। आ यार बहुत हेवी है, हाथ दर्द हो गया, कुछ दूसरा दिखाओ ना। आज तो तुझे मैं नरक में भेज के ही मानूंगा विकराल सिंह। आइए पंडित जी आइए। सीताराम सीत, इतना लेट करेंगे हाँ? अरे भाई अब भगवान को भी आपका इंतजार करना पड़ेगा, कब से आपका राह देख रहे हैं। चलिए हाँ चलिए चलिए, सामग्री तो सब आ गई ना। अरे देखिए ना सब ले आए हैं हम, देखिए आइए बैठिए, ये देखिए वो पंचमेवा और मिठाई। अरे वो भी है। अरे एक मिनट, ए अम्मा। धंधा हम भी करते हैं, हमको भी आता है धंधा करना। खाली दो मिनट के लिए मुझे दीजिए ना, मैं बस अभी गया और अभी आया। हाँ अभी आया। पहले बोलो कि पुराना सारा पेमेंट सब क्लियर करवाए, ऐसे कैसे धंधा चलेगा, समझ गए ना? अरे
अरे का बैल बुद्धि हो का, एक तो रागनी की विदाई के लिए मिठाई लेके आए थे और तुम आपको तो अवार्ड ही मिलना चाहिए। अरे बन्ना साफ करवा भी मिठाई। इका है रे साला, तुम हमरा कोठी में ही विचरण काहे कर रहा है बंदूक को लेकर के? दिखाने आया कि चलाने आया है? नहीं ठाकुर साहब, हम तो बाथरूम में गए। वहां हाथ का जरूरत पड़ता है, हथियार का नहीं। और ऐसे भी बहुत खतरनाक चीज है, किसी को नहीं पहचानता। पंडित जी को पूरा रामायण पढ़ा दिया हो ना। पंडित जी मैं जानता हूँ कि नारद ने आपको धमकाया। राम राम दामाद बाबू, आप ये क्या कहें? पैसे देने का वादा किया है या बंदूक दिखा के डरा है? राम राम दामाद बाबू, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए पंडित जी, वो आपको पैसा और डर दिखा के झूठ कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन झूठ बोलना तो पाप है ना? लेकिन मैं आपको सच बोलने का पैसा दूंगा। अब निर्णय आप लीजिएगा कि आपको पाप करना है या पुण्य। नहीं तो फिर एक नई बंदूक मैंने भी ली है, देखिए असली है, बोलिए तो टेस्टिंग कर दो। अरे राम राम दामाद बाबू, आप ये क्या कर रहे हैं? जैसा बोला है वैसा कीजिए, ठीक है? दीदी जी पैसा भी दे दिए हैं और बंदूक दिखा के ना डबल श्योर भी हो गए हैं। अच्छा कियो, बहुत अच्छा। बस भगवान से ई मनाओ कि आज ना किसी भी तरह ई पल अटल जाए। अरे आप एकदम में निश्चिंत रहिए, सब सही होगा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हे भगवान, क्या हो गया? झूठ बोलूं तो भी फंस रहा हूं, सच बोलूं तो भी फंस रहा हूं। आप ही कोई रास्ता दिखाइए। भाई साहब घर है, शूटिंग रेंज नहीं है, कहाँ जा रहे हो? अरे सरकार हम तो बस चेक कर रहे थे। दामाद बाबू पसंद आया आपको? बाबू जी ये वाली गन बहुत छोटी है, हैंडी है और पॉकेट में भी आ जाएगी, है ना? मैंने रागिनी की फोटो में देखा था, उसने भी यही पकड़ी थी। आई एम श्योर रागिनी को भी अच्छी लगेगी। अब जो रागिनी की पसंद वो मेरी पसंद बाबू जी। बहुत ही अच्छा पसंद है आपका, बेटा जी और आपका पसंद ना है, सेम टू सेम है दामाद बाबू। थैंक यू बाबू जी। ठाकुर साहब पूजा का संकल्प कौन लेगा, मतलब पूजा में कौन बैठेगा? हमारे दामाद बाबू अनुराग सिंह, हमारी बेटा जी रागिनी सिंह। अति उत्तम जजमान, अति उत्तम। आइए आइए। पंडित बल्टी काहे मार गया? अब बाबू जी वो मेरी और रागिनी की विदाई का मुहूर्त भी पंडित जी से अगर पूछ लेते तो अच्छा होता, वो बहुत दिन हो गए ना घर नहीं गए। श्रावण मास चल रहा है ठाकुर साहब, हर दिन शुभ है। बस परफेक्ट है बाबूजी। पंडित का इतना बड़ा हिम्मत कैसे हो गया? जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है। रागिनी ठाकुर साहब हम क्या कह रहे थे, पहले गन का टेस्टिंग कर लीजिए, पूजा पाठ थोड़ी देर में कर लेंगे। आइए दामाद बाबू जी, मुहूर्त कीजिए दामाद बाबू। ये बहुत बढ़िया, तो छोटी छोटी ये देखिए सरकार। अरे दामाद बाबू ट्राई मारिए, चैम्बर खाली है, कोनो दिक्कत का बात नहीं है। शाम को बढ़िया से हम लोग अभ्यास करेंगे निशाना लगाने का। ठीक है बाबू जी। ट्राई करते हैं, ये इसमें मजा नहीं, बहुत हैवी है। अरे जो पसंद आता है वो देखिए। हाँ
को देखा जाएगा। विक्रांत सिंह, विक्रांत सिंह, बहुत हो गया तुम्हारा खेला, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाबूजी!